बढ़िया कपड़े डाल करके सुंदर बिस्तर डाल करके इधर हमारी बहने बैठी हैं, हमारी महिला चार दीवारी से बाहर नहीं आ सकती जी, घर से बाहर नहीं निकल सकती जी। महिला को पैर की जूती कहा गया तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जो महिला देश के प्रधानमंत्री को, देश के राष्ट्रपति को, देश के मुख्यमंत्री को, देश में उनकी इंजीनियर डॉक्टर पैदा करती है वो पैर की जूती नहीं, वो देश की जननी है, संसार की जननी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश की महिला को बराबरी देने का काम किया, इस देश की महिला को बराबरी देने का काम किया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक बार कहा था अगर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में पैदा ना होते, संविधान ना लिखते, महिला को बराबरी ना देते, क्योंकि नेहरू जी की अकेली बेटी थी इंदिरा गांधी, उन्होंने कहा अगर महिला को बराबरी ना मिलती मैं कभी देश की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी। और बहन कुमारी मायावती जी जो आज हमारी बहन है, हमारी बेटी है, आज बहन कुमारी महिला, आज हमारी महिला बहन कुमारी मायावती जी जो एक गरीब की बेटी है, कोई वो राजा की बेटी नहीं थी, आज उसे चार चार बार यूपी का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है, चार चार बार यूपी में मुख्यमंत्री बनने का बहन जी को साथियों मौका मिला है। किसके कारण? संविधान के कारण। अगर ये संविधान हमारा ना होता बहन जी मुख्यमंत्री तो दूर, बहन जी मुख्यमंत्री तो दूर, मंत्री भी नहीं बन सकती थी। इसलिए माननीय बहन जी आज मुख्यमंत्री बनी है और आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनेगी, पक्का बनेगी। क्यों? आने वाले समय में बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी। अभी अखबारों में आया है बहुत सारे लेख छपे हैं, क्या छपे हैं अखबारों में लेख छपे हैं कि देव बहरा जी के गोदे जवाब दे रहे हैं, जयललिता जी चली गई है, करुणानिधि जी बीमार हैं, लालू प्रसाद चुनाव लड़ नहीं सकता, चौटाला साहब चुनाव नहीं लड़ सकते, इस देश के अंदर कौन बचा है? राहुल गांधी जी के बस की बात नहीं है। अगर मोदी जी का कोई मुकाबला होगा, अगर मोदी जी का कोई मुकाबला होगा, जैसे हिस्ट्री में क्या कहते हैं कि रावण को श्री राम जी ने मारा, हिस्ट्री में कहते हैं कि रावण को श्री राम ने मारा, रावण और राम की राशि है, कहते हैं कंस को कृष्ण ने मारा, कहते हैं कंस को कृष्ण जी ने मारा है और राशि फिर यह सेम है, एक तरफ मोदी एक तरफ मायावती जी, राशि फिर सेम है। जब राम रावण को मार सकता है, जब कृष्ण कंस को मार सकता है, तो मायावती जी मोदी जी को हरा करके इस देश की प्रधानमंत्री पक्का बनेगी, आज अखबारों में आने लगा है।